अजय एलेक्स के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, देखो एलेक्स, हम सबको पता है कि स्वाति अपनी स्कूल लाइफ से ही सुमित से प्यार करती थी और सुमित भी स्वाति से बहुत प्यार करता था। एलेक्स अजय की बात से हामी भरते हुए कहता है, हाँ सर पता है, पर इन दोनों के एक दूसरे से प्यार करने से पारू के बच्चे के चोरी होने से क्या लेना देना। अजय एलेक्स के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, लेना देना है एलेक्स, पहले तो मेरी पूरी बात तो सुनो। हाँ सर बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। अजय अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, जब संतोष को पता चला कि स्वाति और सुमित एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने सुमित और स्वाति को अलग कर दिया। संतोष ने स्वाति का रिश्ता विजयकांत के घर में जोड़ा। जैसे ही सुमित को ये बात पता चली उसने बदला लेने की सोची होगी। वो जानता था कि वो विजयकांत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि उसके आसपास बहुत सिक्योरिटी रहती है। इसलिए उसने विजयकांत की बहू पारो के बच्चे की चोरी करने का सोचा होगा और वो अपने मकसद में कामयाब ही हो गया। अजय की बात सुनकर माखनलाल कहता है, साहब आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मैं ये तो समझ गया कि सुमित ने पारो के बच्चे की चोरी क्यों की, पर ये बात समझ नहीं आ रही कि सुमित का खून किसने और क्यों किया। अजय माखनलाल के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, माखनलाल जितना मुझे लगता है उस हिसाब से सुमित पारो के बच्चे की चोरी अकेले नहीं कर सकता है, हो सकता है कि उसके साथ कोई साथी हो। एलेक्स अजय से कहता है, इसका मतलब कोई और भी है जो पारो के बच्चे की किडनैपिंग में सुमित के साथ था। हाँ एलेक्स, और अब हमें उसी शख्स का पता लगाना है कि वो कौन आदमी था। एलेक्स को सोचते हुए कहता है, सर हो सकता है कि सुमित और उसके साथी में आपस में किसी बात को लेकर अनबन हो गई हो और उनके बीच झगड़ा हो गया हो और उसी लड़ाई में उसके साथी ने सुमित का खून कर दिया हो। माखनलाल एलेक्स से पूछता है, एलेक्स एक बार के लिए अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो मेरे तो ये नहीं समझ आ रहा कि सुमित की लाश विजयकांत के दरवाजे के पास कैसे पहुंची। अगर सुमित के साथी को उसे मारना ही था तो उसकी लाश को कहीं और फेंक देता या छुपा देता, उसने विजयकांत के घर के दरवाजे के पास ही क्यों फेंका। एलेक्स माखनलाल के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले ही अजय कहता है, सही कहा माखनलाल, दरवाजा, अब ये दरवाजा ही हमें सुमित के कातिल तक पहुंचाएगा। माखनलाल हैरानी के साथ कहता है, कैसे सर, ये दरवाजा हमें सुमित के कातिल तक कैसे पहुंचाएगा। अजय माखनलाल के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, माखनलाल हमें सुमित की लाश विजयकांत के घर के दरवाजे के पास मिली, हम ये कैसे भूल गए कि विजयकांत के घर के दरवाजे से पहले एक और बड़ा दरवाजा पड़ता है जहाँ पर दो पहरेदार बैठे रहते हैं और पहरा देते हैं। क्या तुमने उनका बयान लिया था, उनसे पूछताछ की थी। माखनलाल अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, धत्तेरी की, मैं उनका बयान लेना कैसे भूल गया। अजय माखनलाल पर गुस्सा करते हुए कहता है, माखनलाल तुम इतने अहम गवाह को कैसे छोड़ सकते हो। माखनलाल अपनी गलती को महसूस करते हुए कहता है, सॉरी साहब मैं भूल गया था, सच कहूं तो जब मैंने देखा कि सुमित की लाश की नाभि गायब है तो मुझे लगा सुमित का खून छाया नहीं किया है, इसलिए मैंने उनका बयान ही लेना ठीक नहीं समझा। अजय माखनलाल पर चिढ़ते हुए कहता है, माखनलाल अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैंने कितनी बार बोला है तुमसे कि छाया की आड़ में कोई और ये सब खून कर रहा है और मैं उसे पकड़ कर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, बस एक बार पता चल जाए कि कौन ये सब कर रहा है फिर देखना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अजय ने इतना कहा ही था कि तभी टेबल पर रखे टेलीफोन की घंटी बजने लग जाती है। माखनलाल टेलीफोन उठाते हुए कहता है, हेलो गोंदिया पुलिस स्टेशन। माखनलाल टेलीफोन पर बात करने लग जाता है। जैसे जैसे माखनलाल टेलीफोन पर बात करता जा रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे और वो शॉक्ड होता जा रहा था। टेलीफोन पर बात करते हुए माखनलाल अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या ठीक है हम अभी आते हैं। इतना कहकर माखनलाल टेलीफोन नीचे रख देता है। जैसे ही माखनलाल फोन रखता है जय बौखलाहट के साथ उससे पूछता है, क्या हुआ माखनलाल तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए, सब ठीक तो है ना। माखनलाल अजय के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, साहब कुछ ठीक नहीं है, जब आपको पता चलेगा कि मेघ गांव में क्या हुआ है तो आपके चेहरे पर भी 12 बज जाएंगे। अजय हैरानी के साथ माखनलाल से पूछता है, ऐसा क्या हुआ माखनलाल मेघ गांव में। माखनलाल अजय के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो साहब मेघ गांव में एक लाश मिली है और उस लाश के भी नाभि गायब है। अजय शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या। माखनलाल अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है,
हाँ साहब, मैं तो पहले कहता था कि छाया को मुक्ति नहीं मिली है, उसकी आत्मा अभी भी इसी दुनिया में भटक रही है, पर आप तो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अजय माखनलाल पर चढ़ते हुए कहता है, माखनलाल तुम ना अपनी बकवास बंद करो, समझे? ये जरूर उसी कातिल का काम है जिसने सुमित का खून किया है, क्योंकि इस लाश की नाभि भी गायब है। एक काम करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ मेघ गांव चलता हूँ, हो सकता है कोई सुराग हाथ लग जाए। हाँ साहब, आप भी मेरे साथ चलिए, मेरी बहुत मदद हो जाएगी। एलेक्स अजय से कहता है, मैं भी चलता हूँ सर आपके साथ। अजय एलेक्स को मना करते हुए कहता है, नहीं एलेक्स, तुम हमारे साथ नहीं चल सकते। एलेक्स हैरानी के साथ पूछता है, क्यों सर, मैं आपके साथ क्यों नहीं चल सकता, क्या मैं आपकी टीम का हिस्सा नहीं? अजय एलेक्स के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, एलेक्स ये तुम कैसा सवाल कर रहे हो, ऑफ कोर्स तुम टीम का हिस्सा हो, तभी तो तुम्हें मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ एक बहुत जरूरी काम करने के लिए। एलेक्स हड़बड़ाते हुए अजय से पूछता है, कैसा काम सर? अजय एलेक्स को समझाते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ पर रुककर विजयकांत के घर के दोनों पहरेदारों को बुलाना है और उनसे अच्छे से पूछताछ करनी है। उन दोनों से पूछो कि उन दोनों को जिस रात सुमित की लाश मिली हवेली के पास, उन्होंने किसी को भटकते हुए देखा था या नहीं देखा। अगर मना करें तो धमकाओ, उन्हें डराओ, उन दोनों को जरूर कुछ न कुछ पता होगा। इतनी आसानी से वो कातिल सुमित की लाश को दरवाजे तक नहीं पहुंचा सकता। ये भी हो सकता है कि वो दोनों सुमित के कातिल से मिले हुए हों। एलेक्स अजय की बात समझ जाता है और कहता है, ठीक है सर, मैं सब समझ गया, मैं अभी उन दोनों को फोन करके यहाँ पर बुलाता हूँ और उनके मुंह से सारा सच उगलवा लेता हूँ। अजय माखनलाल से कहता है, माखनलाल चलो हम भी यहाँ से निकलते हैं, जरा देखें तो मेघ गांव में किसका खून हुआ है। माखनलाल टेबल से जिप्सी की चाबी उठाते हुए कहता है, हाँ साहब चलिए। इतना कहकर माखनलाल और अजय पुलिस स्टेशन से मेघ गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ मेघ गांव के अंदर बहुत भीड़ जमा हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि आसपास के गांव के लोग भी वहां पर जमा हो गए हों। हर किसी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, डर के मारे सबके चेहरे सफेद पड़ गए थे। वहां पर खड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे। पहला आदमी कहता है, वो वापस लौट आई है चंपक, उसका अंत नहीं हुआ है। दूसरा आदमी कहता है, हाँ नेक राम, तू ठीक कहता है, उसका अंत नहीं हुआ है, उसका अंत कोई नहीं कर सकता, जिस जिसने उसका अंत करने की सोचा है वो सब मौत के घाट उतर गए हैं। मुझे तो लगता है कि अगला नंबर हम में से किसी एक का है, इसलिए हमें मेघ गांव छोड़ देना चाहिए, मेघ गांव अब फिर से रहने लायक नहीं बचा है। वो एक एक करके सबको मार देगी और वापस इस गांव को शमशान बना देगी। तीसरा आदमी कहता है, मैं तो आज ही अपना बोरिया बिस्तर बांध कर मेघ गांव से निकल जाऊंगा, मैं मेघ गांव में नहीं रुक सकता, अब मुझे मरना थोड़ी है, पहले वो मुंशी का पोता और अब ये। मेघ गांव में जहां पर पहले स्कूल था, उस स्कूल के ग्राउंड को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था, हर तरफ पुलिस के बैरिकेड लगे हुए थे। कुछ पुलिस वाले वहां पर तहकीकात कर रहे थे। वहीं पर एक लाश उल्टी पड़ी हुई थी जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। एक फोटोग्राफर लाश के अलग अलग एंगल से फोटो खींच रहा था। पुलिस वाले तहकीकात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर अजय और माखनलाल की जिप्सी आ जाती है। उन दोनों की जिप्सी को आता हुआ देखकर भीड़ पीछे हट जाती है। अजय और माखनलाल की जिप्सी भीड़ के पास आकर रुक जाती है और दोनों जिप्सी से नीचे उतरकर सीधे लाश के पास जाते हैं। जब वो लाश के पास पहुंचते हैं और देखते हैं तो उस लाश को देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अजय हैरानी के साथ कहता है, माखनलाल कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ? माखनलाल डरते हुए कहता है, साहब मुझे भी वही लग रहे हैं। अजय अपने हाथों में ग्लव्स पहनता है और उल्टी पड़ी लाश को सीधा करने लग जाता है। जब वो लाश को पलटता है तो देखता है कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मेघनाथ मंदिर के पुजारी नीरज पुजारी की थी। नीरज पुजारी की लाश की नाभि गायब थी। उनके सीने पर साधु खरोंच का लिखा हुआ था जिसमें खून जमा हुआ था और बॉडी का वो हिस्सा लाल पड़ गया था। माखनलाल नीरज पुजारी की लाश को देखकर डरते हुए कहता है, साहब ये तो नीरज पुजारी है, इन्हें किसने मार दिया? अजय माखनलाल के सवाल का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो खुद नीरज पुजारी की लाश को देखकर शॉक था। माखनलाल नीरज पुजारी की लाश को देख ही रहा था कि अचानक से नीरज पुजारी की लाश को देखते हुए उसके हाथ पैर कपकपाने लग जाते हैं। वो इतना डर जाता है कि उससे खड़े होकर नहीं बनता और वो नीचे बैठ जाता है। माखनलाल को नीचे बैठता हुआ देखकर अजय झट से माखनलाल के पास जाता है और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ माखनलाल, तुम ठीक तो हो ना? माखनलाल डरते हुए नीरज पुजारी की लाश की ओर इशारा करते हुए कहता है,
वो देखिए साहब। जब अजय नीरज पुजारी की लाश की तरफ देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नीरज पुजारी की लाश की बगल में ही खून से कुछ लिखा हुआ था। अजय उसे पढ़ते हुए कहता है, छाया का अंत नहीं हुआ है। ये पढ़कर अजय भी हैरान हो जाता है। माखनलाल घबराते हुए कहता है, देखा साहब, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि छाया को मुक्ति नहीं मिली है। नीरज पुजारी को भी छाया नहीं मारा है, और इस बात का हमें पता चले इसलिए मरते वक्त नीरज पुजारी हमारे लिए ये सुराग छोड़कर गए हैं। अजय माखनलाल की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो नीरज पुजारी की लाश के आसपास देखने लग जाता है। माखनलाल अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, साहब अब वो सबको मार देगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। वो लौट आई है, उसका अंत कभी हुआ ही नहीं था। माखनलाल की बातें सुनकर अजय परेशान हो जाता है और वो उस पर चिढ़ते हुए कहता है, माखनलाल तुम 2 मिनट के लिए अपना मुंह बंद रखोगे और मुझे कुछ सोचने दोगे। अजय का गुस्सा देखकर माखनलाल चुप हो जाता है। अजय नीरज पुजारी की लाश के आसपास ही देख रहा था कि तभी उसे जमीन पर कुछ रुद्राक्ष पड़े हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी माला में से टूटकर गिरे हुए हों। अजय जमीन पर पड़े रुद्राक्ष में से एक रुद्राक्ष अपने हाथ में उठाते हुए कहता है, माखनलाल नीरज पुजारी का खून छाया ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। माखनलाल हैरानी के साथ कहता है, क्या साहब आप ये कैसे कह सकते हैं कि नीरज पुजारी का खून छाया ने नहीं किसी और ने किया है। अजय माखनलाल के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, माखनलाल जरा इन रुद्राक्षों को अच्छे से देखो, इन्हें देखकर साफ जाहिर होता है कि ये किसी माला में से टूटकर गिरे हैं, पर रुद्राक्ष की माला नीरज पुजारी ही पहनते हैं। हो सकता है कि खूनी के साथ नीरज पुजारी की हाथापाई हुई हो और उसी हाथापाई में उनके गले में से ये माला टूट कर गिर गई हो। माखनलाल अजय से पूछता है, साहब एक बार की अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि नीरज पुजारी की खूनी के साथ हाथापाई हुई हो और उसे हाथापाई में माला टूट गई हो, पर जो खून से जमीन पर लिखा हुआ है कि छाया का अंत नहीं हुआ है, इसका क्या मतलब, इसका क्या जवाब है आपके पास। इसका भी जवाब है माखनलाल मेरे पास। हो सकता है कि खूनी ने हमारा ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया हो ताकि हम ये सोचें कि ये काम छाया ने किया है और वो आसानी से बच जाए। साहब ये भी तो हो सकता है कि नीरज पुजारी की हाथापाई और किसी के साथ नहीं बल्कि छाया के साथ ही हुई हो। आप भूल गए, जब छाया मेघ से आजाद हुई थी तो उसने सबसे पहले मेघ मंदिर की जो देखरेख करते थे उन पुजारी को मारा था, और जब मेघ के दोनों दरवाजे खुल गए और वो पूरी तरह से आजाद हो गई तो उसने निर्मल पुजारी को मारा, और अब जब वो मुक्ति मिलने के बाद भी वापस लौट कर आ गई है तो उसने नीरज पुजारी को मार दिया हमें ये बताने के लिए कि उसका अंत नहीं हुआ है, और अब वो सबको मार देगी, मेघ गांव को वापस से कब्रिस्तान में तब्दील कर देगी, किसी को नहीं छोड़ेगी वो।